दोस्तों YouTube चैनल को मोनेटाइज करना जितना आसान कर दिया है YouTube, उतना ही आपको मोनेटाइज करते समय इसके रास्ते में मुश्किलें आ सकती हैं। दोस्तों मोनेटाइजेशन स्टेप टू में बहुत लोगों को एरर प्रॉब्लम आ जा रही है, तो दोस्तों अगर आप भी YouTube के मोनेटाइजेशन स्टेप टू एरर प्रॉब्लम से परेशान है तो घबराइए मत, क्योंकि हम आ चुके हैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर। दोस्तों अगर आपने टेक्नो गुरुदेव चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा, घंटा दबा के रखा होगा, तो आपको पता है कि दोस्तों मैं एडसेंस रिलेटेड हर प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो लाता हूं, जिससे कि आपके चैनल पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। इसीलिए कहता हूं कि टेक्नो गुरुदेव चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपके यूट्यूब चैनल और गूगल एडसेंस का ख्याल रखा जाता है। दोस्तों आज जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं, ये चैनल है दोस्तों टी वाई कबड्डी करके, और इनके चैनल पर दोस्तों स्टेप वन डन हो चुका है, लेकिन मोनेटाइजेशन स्टेप टू में एरर आ चुका है। और पहले तो फिक्स इन एडसेंस चेंज एसोसिएशन का ऑप्शन था, जो कि काफी नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, उसको तुरंत सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो है यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर इसको सॉल्व करने की कोशिश किया और बार बार जो है गलतियां करते गए। फाइनली जो है चेंज एसोसिएशन का ऑप्शन गायब हो गया है, केवल और केवल फिक्स इन एडसेंस का ऑप्शन आ गया, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके इस वीडियो में दिखाएंगे, बस आपको वीडियो पूरा ध्यान से देखना है। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी रीजन से इस वीडियो की भी हेल्प से अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है तो आपको कहीं नहीं जाना है, बस इंस्टाग्राम पर टेक्नो गुरुदेव को फॉलो करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इंस्टाग्राम को, वहां पर क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा और वहां पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम का 100% गारंटी सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। और हाँ दोस्तों, बहुत सारे फेक अकाउंट टेक्नो गुरुदेव के नेम पर बन रहे हैं, तो सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। जब भी मैं आपसे आईडी और पासवर्ड मांगूं तो वीडियो कॉल करके मुझे देखना जरूर, तभी अपना आईडी और पासवर्ड देना, वरना आपका चैनल हैक भी हो सकता है। तो दोस्तों यहां पर जो प्रॉब्लम है आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि कैसे सॉल्व करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता देते हैं कि स्टेप टू में एरर आता क्यों है, क्या ऐसी गलती हो जाती है जिससे कि एरर आ जाता है। तो दोस्तों यहां पर आपको समझने वाली बात यह है कि गूगल एडसेंस एक व्यक्ति का एक ही बार बनता है, और यही सबसे बड़ा रीजन है यहां पर एरर लाने का। दोस्तों आपका जो भी जीमेल अकाउंट रहता है, जब आप उसे गूगल एडसेंस अकाउंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप वहां पर नेम डालते हैं और अपना एड्रेस डालते हैं, तो अगर आपने पहले से ही गूगल एडसेंस अकाउंट बना रखा होगा, या आपके जीमेल अकाउंट से गूगल एडसेंस बना होगा, या आपके नेम से गूगल एडसेंस अकाउंट बना होगा, तो आप जब एडसेंस को लिंक करते हैं तो वहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड एडसेंस अकाउंट का मैसेज आ जाता है और यहां पर स्टेप टू में एरर शो कर देता है। उसके बाद आपसे बोला जाता है कि या तो आप जाकर पुराने वाले गूगल एडसेंस को क्लोज कीजिए, या जो है आप एक नया गूगल एडसेंस अकाउंट बनाकर लिंक कीजिए, जो कि थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि करना क्या चाहिए, और वहां पर फिक्स इन एडसेंस चेंज एसोसिएशन का ऑप्शन आ जाता है। लेकिन दोस्तों इसको अगर आप खुद से यूट्यूब की वीडियो देखकर सॉल्व करते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय थोड़ी सी और ज्यादा टिपिकल हो जाती है और यहां पर केवल फिक्स इन एडसेंस का ऑप्शन आ जाता है। अभी तक दोस्तों जो चेंज एसोसिएशन का ऑप्शन था वो तो थोड़ा सा हेल्पफुल था, जिसकी मदद से हम जो है स्टेप टू एरर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन फिक्स इन एडसेंस का ऑप्शन आ जाता है तो हमको उसी गूगल एडसेंस अकाउंट को सही करना होता है जो हमारे चैनल के साथ हमने लिंक किया होता है। तो चलिए दोस्तों आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे चलते हैं और इसका जो है सॉल्यूशन बताते हैं। तो यहां पर हम फिक्स इन एडसेंस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर जो गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन हो रहा है वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। दोस्तों इन्होंने जो गलतियां किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप ये गलतियां ना करें और आपकी प्रॉब्लम टाइम रहते सॉल्व हो सके। दोस्तों गूगल एडसेंस अकाउंट यहां पर ओपन हो चुका है और आप देख सकते हैं यहां पर जो मैसेज है वो है योर एसोसिएटेड एडसेंस अकाउंट इज मिसिंग रिक्वायर्ड पेमेंट डिटेल्स, मतलब कि जो गूगल एडसेंस अकाउंट चैनल के साथ लिंक हुआ था उसमें पेमेंट डिटेल्स मिसिंग बता रहा है। लेकिन दोस्तों जो गूगल एडसेंस अकाउंट यहां पर फिक्स इन एडसेंस के ऊपर क्लिक करने पर ओपन हो रहा है, यहां पर पेमेंट डिटेल्स तो ऑलरेडी फिल है, इसका मतलब कि ये गूगल एडसेंस अकाउंट हमारे चैनल के साथ लिंक नहीं है। और एक तरीका मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि अगर आप गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन कर रहे हैं और यहां पर एडसेंस फॉर यूट्यूब का सेक्शन आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो गूगल एडसेंस अकाउंट आपके चैनल के साथ लिंक नहीं है। आपका गूगल एडसेंस अकाउंट जो चैनल के साथ लिंक होगा उसको अगर आप ओपन करेंगे तो यहां पर आपको एडसेंस फॉर YouTube का ऑप्शन दिख जाएगा। और तीसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं, आपको यहां पर अकाउंट में आना है और यहां पर सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आपको अकाउंट इंफॉर्मेशन पर क्लिक करना है, तो आपको यहां पर जो दिखेगा वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं एक्टिव प्रोडक्ट, यहां पर कंटेंट दिखा रहा है, इसका मतलब है कि जो गूगल एडसेंस आपका यहां पर ओपन हुआ है
वो वेबसाइट के लिए ओपन हुआ है, न कि आपके यूट्यूब चैनल के। अगर ये यूट्यूब चैनल से आपके लिंक रहता तो यहाँ पर यूट्यूब आपका शो होता, ठीक है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। तो ये गूगल एडसेंस अकाउंट, इसका मतलब हमारे चैनल के साथ लिंक नहीं है। अब इस गूगल एडसेंस अकाउंट को दोस्तों हम यहां से रिमूव करेंगे, जो चैनल का जीमेल है उस जगह से इसको हटाएंगे, ताकि जो गूगल एडसेंस अकाउंट हमारे चैनल के साथ लिंक था उसको हम जो है फिर से इस जीमेल अकाउंट पर उसको लाकर उसको एक्टिवेट कर सकें। उसके लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ तरीके जो कि आपको फॉलो करना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर करना है क्या, आपको यहां पर आ जाना है, एक्सेस एंड ऑथोराइजेशन में आ जाना है, और यहां पर दोस्तों यूजर मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अब चैनल के जीमेल से गूगल एडसेंस अकाउंट को हटाने के लिए हम इसको क्लोज नहीं करेंगे, इसको हटाना है, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे वीडियो में हमने क्लोज करने का तरीका बताया, वो तरीका अलग था, इस वीडियो में हम आपको अलग तरीका बता रहे हैं, इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इनके चैनल के साथ जो गूगल एडसेंस अकाउंट लिंक था उसको इन्होंने क्लोज कर दिया है, और उसी जीमेल से फिर से एक नया गूगल एडसेंस अकाउंट बना दिया है, जिसको कि जब तक हम हटाएंगे नहीं तब तक वो गूगल एडसेंस अकाउंट हमारा ओपन नहीं होगा जो सबसे पहले हमारे चैनल के साथ लिंक हुआ था। ये सारी चीजें बहुत लोग नहीं बताते हैं, आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझते चलिएगा। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ये चैनल का हमारा जीमेल है, और ये एक्टिव एडमिन है इस गूगल एडसेंस अकाउंट का, इसी एडमिन को हमको यहां से हटाना है। तो यहां पर दोस्तों हम न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहां पर आपको इनवाइट न्यू यूजर करना है। अब ये कैसे करना है, आपको यहां पर एक जीमेल अकाउंट डालना है, चैनल का जीमेल अकाउंट नहीं डालना है, आपको एक ऐसा जीमेल अकाउंट डालना है, चाहे आप न्यू डाल सकते हैं या कोई दूसरा डाल सकते हैं, जहां पर आप इस गूगल एडसेंस के लिए इनविटेशन भेजेंगे और उस जीमेल अकाउंट पर जाकर उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो चलिए हम यहां पर अपना जीमेल अकाउंट डाल देते हैं। तो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैं यहां पर एक जीमेल यहां पर ओपन करके रखा हूं, और यहां से हम इस जीमेल अकाउंट को जो है कॉपी कर लेते हैं, और इस पेज पर आते हैं एडसेंस के, और यहां पर जो है इसको पेस्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर इनवाइट यूजर के ऊपर क्लिक कर देंगे। ऐसा करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर जो है हमारा दूसरा जीमेल जो है आ चुका है, लेकिन स्टेटस जो है पेंडिंग दिखा रहा है, और ये स्टैंडर्ड यूजर लेवल इसको मिला हुआ है। अब हमको दोस्तों इस जीमेल अकाउंट पर जाना है, और यहाँ पर हमको इसको रिफ्रेश कर लेना है, देखते हैं कि कोई ईमेल आया है कि नहीं इनविटेशन का। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको जो है गूगल एडसेंस की तरफ से इनविटेशन लिंक आ चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों हमको एक ईमेल आ चुका है, आप देख सकते हैं यू हैव बीन इनवाइटेड टू एक्सेस एंड एडसेंस अकाउंट, मतलब कि इस जीमेल अकाउंट के लिए जो है हमको एक एडसेंस के द्वारा जो इन्वाइट किया गया है उसका जो है यूजर बनने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमको करना क्या है कि जो यहाँ पर कंडीशन बताई गई वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, और ये पब्लिशर आईडी आप देख सकते हैं उसी गूगल एडसेंस अकाउंट का है जो चैनल के जीमेल से ओपन हो रहा था, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो लिंक है वो एक्सेप्ट करने का, वो यहाँ पर विजिट दिस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन पर एक बटन आ जाएगा एक्सेप्ट इनविटेशन का, यू आर इनवाइटेड टू एक्सेस एडसेंस, और इस जीमेल अकाउंट के लिए जो है वो एडसेंस अकाउंट अब जो है हम एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए हम यहां पर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट इनविटेशन के बटन पर क्लिक करके। दोस्तों यहां पर क्लिक करने के बाद जो एडसेंस था वो यहां पर ओपन हो गया है दूसरे जीमेल अकाउंट पर, आप देख सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों हम वो जीमेल अकाउंट दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं ये जीमेल अकाउंट पर ये गूगल एडसेंस अकाउंट हमारा ओपन हो चुका है जो चैनल के जीमेल से ओपन हुआ है। अब दोस्तों यहां पर हम चैनल के जो है एडसेंस के पेज पर आते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं जहां से हमने इनविटेशन भेजा था। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं जो दूसरा जीमेल अकाउंट है वो भी जो है स्टेटस यहां पर एक्टिव हो चुका है, और यहां पर जो यूजर लेवल है दोस्तों वो स्टैंडर्ड है, इसको हमको एडमिन बनाना है, ठीक है दोस्तों। एडमिन बनाने के लिए हमको यहां पर 3 डॉट पे क्लिक करना है, और यहां पर दोस्तों चेंज एक्सेस लेवल के ऊपर क्लिक करना है, और यहां पर स्टैंडर्ड के ऊपर क्लिक करना है, और एडमिन के ऊपर क्लिक कर अप्लाई चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों अप्लाई चेंजेस के ऊपर क्लिक करने के बाद ये दोनों जीमेल जो है इस एडसेंस के लिए एडमिन बन चुके हैं, मतलब कि जो नया जीमेल हमने यहां पर ऐड किया है अब उस जीमेल से हम एडसेंस अकाउंट ओपन कर ये चैनल वाला जीमेल यहां से हटाएंगे। कैसे हटाना है वो मैं आपको बता देता हूं, यहां से जो है आप नहीं हटा पाएंगे, जहां पर हमने जो है नया जीमेल ऐड किया है उसके एडसेंस के पेज पर जाएंगे और इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। आपको मैं जो स्टेप बताते चल रहा हूँ वो ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर अब आपको जो है अकाउंट में आना है, और यहाँ पर एक्सेस एंड ऑथोराइजेशन के ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजर मैनेजमेंट का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर जो है सेम वैसा ही यहाँ पर यूजर जो है दिख जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दूसरा वाला जीमेल है ये भी एडमिन हो चुका है, इसका स्टेटस भी एक्टिव है। यहाँ पर 3 डॉट नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने जो है इसी जीमेल से इस एडसेंस को ओपन किया हुआ है। अब दोस्तों ये चैनल वाला जीमेल है यहाँ पर 3 डॉट दिखा रहा है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और रिमूव यूजर के ऊपर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से जो है हमारे चैनल का जो है
जो जीमेल होगा वो हट जाएगा, केवल जो है दूसरा जीमेल का जो है यहाँ पर हमारा जो है एडमिन बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इतना काम कर लेना है। अब हमको दोस्तों चैनल के पेज पे चलना है और यहाँ पर इस पेज को रिफ्रेश करना है। आप देख सकते हैं यहाँ से गूगल एडसेंस अकाउंट पूरी तरीके से हट चुका है दोस्तों। अब हम आपको अगला स्टेप बताने जा रहे हैं कि आपको करना क्या है दोस्तों। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं जो गूगल एडसेंस अकाउंट था वो चैनल के जीमेल से हट चुका है। अब दोस्तों अगर हम फिक्स इन एडसेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई भी एडसेंस अकाउंट ओपन नहीं होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम साइन इन के ऊपर भी क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नो एडसेंस अकाउंट, मतलब कि हमारे चैनल के जीमेल से कोई भी एडसेंस अकाउंट नहीं है। इतना करने के बाद दोस्तों हम ईमेल के थ्रू जो है यूट्यूब से बात करेंगे। यूट्यूब से बात क्या करना है कि जो हमारे चैनल का जीमेल है अब हमको उस जीमेल पर जो एडसेंस अकाउंट सबसे पहले चैनल के साथ लिंक हुआ था उसको इन्वाइट करें ताकि हम जो है अपने चैनल के जीमेल से उस गूगल एडसेंस को ओपन कर सकें। इतना आपको करना है, कैसे करना है वो चलिए आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो है यूट्यूब को ईमेल कर दिया है। अब यूट्यूब दोस्तों हमारे चैनल के जीमेल पर उस पहले वाले एडसेंस का इनविटेशन लिंक भेजेगा जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा तो इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दूंगा और वो इनविटेशन लिंक आने के बाद दोस्तों हम जो है उस एडसेंस को ओपन कर पाएंगे। उसके बाद जो है हम मोनेटाइजेशन स्टेप टू प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो वेट कीजिए, देखते हैं यहाँ पर कितनी टाइम में हमको जो है इन्विटेशन लिंक आता है एडसेंस का। 24 आवर्स लेटर। तो दोस्तों 24 घंटा इंतजार करने के बाद आप देख सकते हैं हमको ईमेल आ चुका है और इस ईमेल को ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यू हैव बीन इन्वाइटेड टू एक्सेस एन एडसेंस अकाउंट। और यहाँ पर दोस्तों हमारा जो गूगल एडसेंस अकाउंट था उसके लिए इन्विटेशन भेजा गया है और यहाँ पर विजिट दिस लिंक पे क्लिक करके हमको इस एडसेंस को जो है हमको एक्सेप्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर विजिट दिस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो हमारे सामने यू आर इन्वाइटेड टू एक्सेस एडसेंस और इस ईमेल एड्रेस पर दोस्तों जो हमारे चैनल का ईमेल एड्रेस है उस पर इस एडसेंस के पब्लिशर आईडी मतलब कि इस एडसेंस का हमको एडमिन बनना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है एक्सेप्ट इन्विटेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों अब जो है हमारा गूगल एडसेंस अकाउंट यहाँ पर आप देख सकते हैं वो वाला ओपन होने के लिए रेडी हो चुका है जिसको कि हमने ऑलरेडी क्लोज कर दिया था। योर एडसेंस अकाउंट इज क्लोज। अब हम इसको रीएक्टिव करेंगे यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ से इसको रीएक्टिव कर देंगे। उसके बाद दोस्तों जो है ये गूगल एडसेंस को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर एडसेंस फॉर यूट्यूब आ चुका है, मतलब कि ये गूगल एडसेंस अकाउंट हमारे यूट्यूब चैनल के साथ लिंक है और इसी गूगल एडसेंस अकाउंट को रीएक्टिव करना था। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वी आर रिव्यूइंग योर इन्फॉर्मेशन, मतलब कि हमारा एडसेंस अकाउंट अभी जो है रिव्यू के लिए गया हुआ है तो इसमें हमको वेट करना है। यहाँ पर दोस्तों जो मोनेटाइजेशन स्टेप टू में फिक्स इन एडसेंस का ऑप्शन था ये कुछ ही टाइम में यहाँ पर जो है आपको डन दिखेगा। ठीक है, या तो इन प्रोग्रेस में चला जाएगा। तो चलिए हम वेट कर लेते हैं दोस्तों। इन सभी प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगता है तो आपको वेट करना है, ज़्यादा घबराना नहीं है। अगर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आप हमें जो है इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 24 hours later। तो दोस्तों 24 घंटा वेट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे चैनल का मोनेटाइजेशन स्टेप टू इन प्रोग्रेस में जा चुका है क्योंकि हमने ऑलरेडी जो एडसेंस चैनल के साथ लिंक था उसको अब हमने रीएक्टिव कर दिया है और ये जो है हमारे चैनल के साथ लिंक होना शुरू हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर कम से कम जो है समय यहाँ पर दिया गया 2 to 3 weeks जो है लग सकता है, तो बस आपको वेट करना है, कोई भी जल्दबाजी करना नहीं है, एडसेंस के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, एडसेंस को क्लोज नहीं करना है। ठीक है, आप वेट कर लेंगे तो आपका ये स्टेप टू डन हो जाएगा और स्टेप थ्री जो है आपका इन प्रोग्रेस में चला जाएगा, चैनल रिव्यू में चला जाएगा। तो दोस्तों हमारा गूगल एडसेंस अकाउंट ऑलरेडी चैनल के साथ लिंक हो चुका है, बस हमको वेट करना है। इस तरीके से दोस्तों आप अपने चैनल की फिक्स इन एडसेंस की प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आप टेक्नो गुरुदेव को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर आल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।